बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड लेक्चर ऑफ द यूनिट नंबर टू, टॉर्क और द मोमेंटम ऑफ द फोर्स। यूनिट टॉर्क और मोमेंटम ऑफ द फोर्स। इससे पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि रिजिड बॉडी क्या होती है। अ बॉडी इज कंपोज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यानी एक बॉडी जो होती है कंपोज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। इट डिस्टेंस बिटवीन ऑल द पेयर्स ऑफ द पार्टिकल्स वे बॉडी डज नॉट चेंज इन अप्लाइंग अ फोर्स। यानी एक फोर्स पर अप्लाने के बाद, यानी फर्स्ट क्या क्या होगी, एक रिजिड बॉडी है, एक गोल आपस आपका जो है, ये आपका एक मेटल का जो है वो गोल शेप पर जो है एक गोला है, एक रिंग है। इसके तमाम के तमाम पार्टिकल जो है अगर इस पर फोर्स लगाई जाती है तो ये अपनी शेप चेंज नहीं करती, तो क्या कहलाएगी, आपकी रिजिड बॉडी कहलाएगी। इस तरह वह एक डोर जो है उसको आगे पीछे फोर्स लगाएं तो मूव तो हो रही है, लेकिन वो मूव जो है इसके पार्टिकल जो है वो उसमें कोई चेंजिंग नहीं आ रही, तो वो डोर क्या होगा, आपका रिजिड बॉडी होगी। यानी तमाम की तमाम बॉडी जिसको फोर्स लगाने से उसकी शेप में चेंज ना आए, उनका पार्टिकल जो है वो आगे पीछे ना हो जाए, तो वो क्या कहलाएंगे, आपकी रिजिड बॉडी कहलाएंगी। Our body is composed of large number of small particles. It distance between all the particles our body does not change by applying a force, then it is called a rigid body. ये आपकी क्या कहलाएगी, rigid body की definition होगी। क्या होगी, Our body is composed of large number of particles, small particles. It the distance between all the pairs of particles of a body do not change by applying a force, then it is called a rigid body. अब रिजिड बॉडी की आपको डेफिनेशन समझ लगी, उसके बाद आपने एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अंदर टर्निंग का फैक्टर आप जो सी है, इसमें क्या होता है कि एक एक्सिस के ग्रीड गिर जो सी है वो कोई फोर्स जो सी है वो आपका जिसम जो है वो रोटेट करता है, तो वो एक्सिस ऑफ रोटेशन कहलाता है। Consider a rigid body rotate about a line. The particle of the bodies move in a circle with their center, all the lines of this line is called the axis of rotation. First क्या आप देखें, ये आपका एक डोर है, एक आपका ये दरवाजा, आपका एक ये आपका एक डोर है आपका, यहाँ पर डोर के अंदर उनसे यहाँ पर एक इसके अंदर उनसे यहाँ पर आपके कब से लगे होते हैं, जैसे इसको मूव करते हैं आगे पीछे मूव करते हैं तो क्या होता है, ये इस पॉइंट पर यहाँ से अगर आप यहाँ पर एक फोर्स लगाएंगे, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये फोर्स उनसे इस्तेमाल कर रही है, ये आपकी क्या कहलाती है, एक्सिस ऑफ रोटेशन कहलाएगी। इसकी मिसाल कौन सी है, जब आप न आप कौन सी है वो टेप कौन सी है, यानी आप टूटी खोलते हैं टेप खोलते हैं तो आप वो रोटेट हो रहा होता है, उस रोटेशन पर कौन सी है वो क्या कहलाती है, आपकी वो आपकी रिजिड बॉडी, वो आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन कहलाएगी। द इफ इजी टू ओपन एंड क्लोज द बॉडी द डोर पुल और पुश इन इट्स हैंडल। जितना आपकी इसका इसका जो है लेंथ जो है एक्सिस ऑफ रोटेशन जितनी ज्यादा होगी, इजीली जो है वो आप उसको रोटेट कर लेंगे। पर इसके अगर आप यहाँ से आप इसको फोर्स लगाएंगे तो ये इजीली ओपन हो जाएगा, अगर इसके करीब से आप यहाँ पर फोर्स लगाएंगे तो ये डोर जो है इजी मूव नहीं करेगा। डिपेंड करता है इसकी लेंथ पर, जो है पार्टिकल की जितनी ज़्यादा लेंथ होगी एक्सिस ऑफ रोटेशन जो सी इसकी लेंथ जितनी ज़्यादा होगी उतना इजीली मूव कर जाएगा। फोर्स दैट प्रोवाइड द टर्निंग इफेक्ट आर वेरी द टर्निंग ऑफ प्रिंसिपल ऑफ द शेपर। ये सारे के सारे जो उनसे क्या कहेंगे डोर, इसीलिए जो है डोर नोब जो है वो एंड पर लगाई जाती है, आपकी जो है आखिरी सिरे पर जो है डोर नोब्स लगा देते हैं खोलने के लिए, ताकि इजीली जो है वो खुल जाए। उसके बाद अब आया था टॉर्क और मोमेंटम ऑफ टॉर्क। टॉर्क क्या होता है और मोमेंटम ऑफ टॉर्क क्या होता है, टॉर्क में क्या होता है कि अगर कोई जिसम जो है